कर्म वंश के बाद फिर आता है कौन आंध्र सातवाहन सुशर्मा की हत्या करता है सिमुक और सिमुक के द्वारा ही आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है सिमुक के बाद कृष्ण और उसके बाद सातकर्णी प्रथम आता है सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक राजस्व यज्ञ करवाया फिर आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी और इसने सख यवन और पल्लवी सबको पराजित किया था चतुर्थ पुलवामी ये अंतिम शासक होता है आंध्र सातवाहन वंश का सामाजिक ढांचा जो था आंध्र सातवाहन वंश का वो मातृ सत्तात्मक था और जो इस समय की भाषा थी वो प्राकृत और लिपि जो थी वो ब्राह्मी सातवाहनों ने चलाया था सीसे का सिक्का इसके बाद आता है आपका कुषाण वंश इसकी स्थापना की गई कुजुल कट के द्वारा फिर इसके बाद आता है बीमा कडफिसिस और भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का इसी ने चलाया इन सिक्कों पर एक और यूनानी भाषा लिखी रहती थी और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि इसके बाद आता है कनिष्क कुषाण वंश का ये सख्संबद चलाता है और भारत में इसके सिंहासन पर बैठते समय कुषाण राज्य जो था वो दक्षिण में सांची से लेकर के पूर्व में मगध तक विस्तृत था पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को हर जाने के रूप में ले गया था ये विद्वान था और कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था कनिष्क ने वैद्यराज चरक थे और ये भी कनिष्क के शासन कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी होता है बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन इसी के समय में होता है कश्मीर के कुंडल वन में और अध्यक्ष होते हैं उस संगति के कौन वसुमित्र इस समय तीनों पीटक पर टीखाएं लिखी गई जिसको महाविभाषा सूत्र कहा जाता है ठीक है इसका संकलन जो किया गया वो महाविभाषा सूत्र में किया गया जो टीका लिखा गया तीनों पीटक पे और इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोष बोलते हैं इस समय के जो प्राप्त सिक्के हैं वो यूनानी और ईरानी दोनों भाषा में हैं अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित सौंदरानंद सारी पुत्र प्रकरण और सूत्र अलंकार ये सब अश्वघोष की कृतियां हैं बुद्ध चरित सौंदरानंद सारी पुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार नागार्जुन दार्शनिक थे ये भी आपके होते हैं कनिष्क के समय में ही वात्स्यायन ने लिखा था इस समय कामसूत्र सूत्र ने लिखा था स्वप्न वासव दत्ता फिर इसके बाद वशिष्क हुविस्क और वासुदेव प्रथम आते हैं वासुदेव प्रथम संभवतः इस वंश का अंतिम शासक होता है और वासुदेव प्रथम के समय फारस पर ससानी आक्रमण करते हैं और उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो है वो छीन लेते हैं किससे वासुदेव प्रथम से इसके बाद साकेत प्रयाग और मगध जो था इस पर गुप्त राजाओं का अधिकार हो जाता है और गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत होते हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर गुप्त साम्राज्य को